सो डियर, हम लोग जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 2। क्या बात करने वाले हैं? मॉड्यूल नंबर 2, क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन था, उसको जो है हमने पूरा डिटेल्स में आपको लिख कर बताया, साथ में आपको नोट्स भी दिया गया। आई होप कि आप उस नोट्स को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आप उसे बनाए होंगे, तैयार किए होंगे, राइट। तो अब हम लोग मॉड्यूल 2 में क्लासिफिकेशन, मतलब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला रीजन्स है क्लासिफाई करने का, ताकि उसका स्टडी हम लोग आसानी से कर सकें, है ना। किसी चीज़ को आसानी से हम लोग खोज सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा कि जो भी चेंजेस आ रही हैं किसी एक स्पेसिफाइड ग्रुप में, तो उसको जो है हम लोग पता लगा सके। फिर साथ ही साथ हम लोग ये भी पता लगा सके कि कौन सा जीव जो है एनिमल है, कौन सा जीव जो है प्लांट है ना। और ये भी हम लोग पता लगा सके कि एनिमल में वो एक सेल वाला है या एक से ज़्यादा सेल वाला है या उससे ज़्यादा वाला है, या फिर हम लोग ये पता लगा सकें कि वो मांस खाता है कि पेड़ पौधों को खाता है। हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि वो जो जीव है वो कैसे, उसका ग्रोथ होता है लाइट की मदद से होता है या कोई अदर कंपोनेंट है जिसकी मदद से उसको खाकर या उसकी मदद से वो जो है बढ़ता है ना। फिर हम लोग ये भी क्लासिफाई जब करते हैं, तो हम लोग ये भी पता लगा पाते हैं कि कोई जंतु जो है या कोई प्लांट जो है वो एनिमल या है जो भी, वो पानी में है या फिर धरती पे है ना। हम लोग ये भी पता लगा पाते हैं कि वो जो प्लांट है वो हमारा किस तरीके के मिट्टी में हमारा ग्रो करेगा, सैंडी सॉइल में ग्रो करेगा या नॉर्मल सॉइल में करेगा या ब्लैक सॉइल में करेगा। तो इन सभी को प्रॉपर, मतलब हम लोग स्टडी में, मतलब हमारी पढ़ाई में किसी तरीके का बाधाएं ना आए, है ना। इसलिए जो हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशंस करते हैं, यानी वी नो डैट द बायोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर फॉर फंक्शनिंग एंड इवोल्यूशन, है ना। इसमें फंक्शनिंग और इवोल्यूशंस होता है। लाइफ फॉर्म्स ओरिजिनेटेड एज यूनिसेलुलर फॉर्म एंड इमेंस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और फिर वो धीरे धीरे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। आज के युग में आप देखेंगे तो कई सारे जीव जंतु, कई सारे पेड़ पौधे हैं, तो उन सभी को एक, मतलब बिना कैटेगराइज किए हुए अगर हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम तो लगेगा ही, साथ ही साथ उसे याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो क्या था, किस कैटेगराइज में वो डिवाइड किया गया है। तो इन्हीं सभी को लेकर हम लोग जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन जब करने जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका जो है नाम देते हैं, उस एनिमल का या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका। तो जो नाम देने की प्रक्रिया है उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं, है ना। नाम देने की जो प्रक्रिया है उसको जो है नोमेनक्लेचर कहते हैं, और जो डिटरमाइन कर रहे हैं कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसको जो है आइडेंटिफिकेशंस कहेंगे, और जब आइडेंटिफाई और नाम दे दिए उसको जब क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसेस है जिसमें बांट रहे हैं कि हाँ ये इस ग्रुप में जाएगा, ये इस ग्रुप में जाएगा, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। और जो स्टडी होता है हमारा क्लासिफिकेशंस का, है ना, जो हम लोग आज का जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर क्लासिफिकेशंस को जो स्टडी करेंगे, इसको बोला जाता है टेक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है? टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी जो है एक में हम लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस अप्लाई करते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस होता है आइडेंटिफाई करना, देन नाम देना, फिर उसको क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ जिस तरीके का पैरामीटर्स हमारा उस ऑर्गेनिज्म का है, जिससे सिमिलर है, उसके अनुसार उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको नाम देते हैं। तो यही कहा जाता है कि टेक्सोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम मैटिक्स विच अकॉर्डिंग टू द सिम्पसन्स इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशन बिटवीन देम, है ना।
ये एक रिलेशन है, और टैक्सोनॉमी इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करें उसका थ्योरी और प्रैक्टिस जो है टैक्सोनॉमी कहलाता है। जहाँ की अगर सिस्टमेटिक की बात किया जाए तो ये एक साइंस होता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इंटर रिलेशंस विद इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी एक्सेट्रा मे बी अब्सेंट इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में जो है जेनेटिक्स, इवोल्यूशंस, है ना, इकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सभी जो है इसमें क्या होता है टैक्सोनॉमी में ख़त्म रहते हैं, उसमें एबसेंट रहते हैं, बट सिस्टमेटिक में वो सभी भी जो है इसको में लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस हैं, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें सेम है एज टैक्सोनॉमी। दोनों में जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशंस के बारे में ही स्टडी करते हैं। उसके बाद जो टैक्सोनॉमी है उसके कई सारे हायरार्की लेवल है। हायरार्की मतलब कि सबसे पहले जो है किंगडम आया, किंगडम के अंतर्गत आता है आपका फाइलम या फिर डिवीजन्स, है ना। फाइलम जो है हमारा एनिमल में आता है और डिवीजन जो है प्लांट्स में होता है, और फाइलम या डिवीजन्स के अंतर्गत आता है क्लास, क्लास के अंतर्गत आता है ऑर्डर, ऑर्डर के अंतर्गत आता है फैमिली, फैमिली के अंतर्गत आता है जेनस, जेनस के अंतर्गत आता है स्पेसीज। यानी सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्पेसीज होता है। स्पेसीज को जो है हम लोग जीन्स में रखते हैं, मतलब कई सारे स्पेसीज के कलेक्शंस को जो है जीन्स कहा जाता है, जीन्स के कलेक्शंस को फैमिली, फैमिली के कलेक्शंस को ऑर्डर, ऑर्डर के कलेक्शंस को क्लास, क्लास के कलेक्शंस को फाइलम या फिर डिवीजन, और फाइनल एंड डिवीजन्स, फाइलम एंड डिवीजन्स के कलेक्शंस को क्या कहेंगे, किंगडम कहेंगे। तो ये एक हायरार्की लेवल हमारा हो जाता है। तो अब इस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बांटते हैं, तो ऑर्गेनिज्म को बांटने के लिए जो भी जीव जंतु हैं उनको बांटने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है उसको बांटते हैं सेल के आधार पे। सबसे पहला जो है डिवीजन क्या होता है हमारा सेल के आधार पे, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को कैसे जो है हम लोग बांटेंगे सेल के आधार पे। तो दो तरीके से बांटा जाता है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। तो दो भागों में जो है हम लोग बांटते हैं सेल के आधार पे। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आया हो। और चलिए यहाँ तक जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ तक जो हम लोग लिख लेते हैं जो भी अभी तक मैंने आपको बताया। यूनिसेलुलर मतलब सिंपल समझिए कि वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका सिंगल सेल से बना हो, और मल्टी सेलुलर जो मोर देन वन सेल से बना हो। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं जो भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किया, उसके बाद आगे के टॉपिक्स वन बाय वन हम लोग जो है देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर, है ना, नोमेनक्लेचर। इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म्स कर दो। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। इट इज द प्रोसेस of it is the process of grouping animals and plants into convenient categories on the basis of certain observable traits, यानी parts में या जो भी organism का था उसके में। उसके बाद है identification
आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ, इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट पोजिशन ऑफ, करेक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन, इन द क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड इसमें एक और पॉइंट जोड़ लो, इट इज़ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म्स। उसके बाद है सिस्टमैटिक, है ना, हाँ सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक्स, है ना। सिस्टमैटिक्स में क्या कहेंगे, इट इज़ द साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म्स एंड हैज इंटर रिलेशंस विद इवोल्यूशंस जेनेटिक्स इकोलॉजी फिजियोलॉजी एक्सेट्रा डेट मे बी अब्सेंट इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में ये सारे जो है क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। इसमें भी हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ही करते हैं, जैसे टैक्सोनॉमी में जो है कहते थे कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको नाम देंगे, और नाम देने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जो प्रोसेस था वही इसमें भी हमारा होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की। ठीक है, इसमें सबसे पहले पहला नंबर आएगा किंगडम, किंगडम के अंतर्गत आएगा फाइलम या डिवीज़न। फाइलम जो है ये हमारा आएगा एनिमल में, ठीक है, और डिवीज़न आएगा प्लांट में। उसके अंतर्गत आएगा हमारा क्लास, है ना, क्लास आएगा। क्लास के अंतर्गत आएगा ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर के अंतर्गत आएगा आपका फैमिली, और फैमिली के अंतर्गत आएगा, है ना, फैमिली के अंतर्गत ही आएगा, यहाँ पे कर देते हैं, फैमिली के अंतर्गत आएगा जेनस, और जेनस के अंतर्गत आएगा स्पेसीज़।
ठीक है। तो ये जो है हायरार्की जो है लेवल है हमारा ऑर्गेनिज्म का, कि किस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सबसे पहला बेस्ड होता है आपका सेलुलरिटी, दूसरा हैबिटेट, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हो गया, उसके बाद अमोनिया एक्सक्रीशन है ना, अमोनिया एक्सक्रीशंस जो है हो जाता है। उसके बाद आप जो है ये मतलब इस तरीके से जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं, फिर बेस्ड ऑन आप कार्बन यूटिलाइजेशंस है ना, चौथा हो गया कार्बन यूटिलाइजेशन, सिक्स नंबर एनर्जी यूटिलाइजेशंस। तो इन सभी के बेस्ड पे हम लोग जो है क्लासिफिकेशन जो है करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेलुलरिटी के आधार पे क्लासिफिकेशन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स बेस्ड ऑन सेलुलरिटी है ना, सेलुलरिटी के बेस्ड पे। तो पहला टाइप्स होता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है। ये जो है दो टाइप्स का होता है। तो यूनी सेलुलर के बारे में बात किया जाए तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये होता है मोर देन वन सेल है ना, एक सेल से ज़्यादा का बना हुआ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक सेल का बना हुआ रहता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में हम लोग जो है अब लिखते हैं, पहले इसको जो है आप लोग लिख लीजिए, मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें। तो डियर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख रखा है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने टोटल 12 पॉइंट लिखा है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी मैंने 12 पॉइंट लिखा है ना। तो इन सभी के बारे में आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक पॉइंट और इसमें आप ऐड कर सकते हो यूनिसेलुलर में कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, या दिस टाइप ऑफ एनिमल या ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स, और मल्टी सेलुलर में आप लिख सकते हो कि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटेंस या कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल। ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो यूनिसेलुलर में पहला पॉइंट मैंने दिया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और सिंगल सेल ही जो है इसमें सारे लाइफ का जितना भी प्रोसेस होता है वो करने के लिए काम में लगा हुआ रहता है, चाहे जो भी काम हो सारा एक ही करेगा। द टोटल बॉडी इज एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, पूरा का पूरा बॉडी इन्वायरमेंट की ओर एक्सपोज होता है। डिवीज़न ऑफ लेयर जो होता है ऑर्गेनल्स लेवल का वो जो है इसमें आपको देखने को मिलता है ना। और जो
यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट सेल्स हैं, दोनों ही इसके अंतर्गत हमारा आता है, ठीक है। लेकिन जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो है प्रोकैरियोट्स को देखते हैं, दोनों इंक्लूड होता है, कई बार यूकैरियोट्स भी होते हैं, बट प्रोकैरियोट्स जनरली ज़्यादा कहा जाता है। और जो लाइफ होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो छोटा होता है, और अगर कोई एक सेल मर जाए तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक ही सेल से वो बना है, एक सेल उसके पास है, एक सेल मर ही गया, डाइड हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो मर गया, ओके। एंड इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल है, यानी बिना सेक्स का ही जो है इसमें बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी होती है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण से इसमें जो है रिप्रोड्यूस होता है। सेल डिफ्रेंसिएशन जो है इसमें नहीं होता है, और ये जो है ऑटोट्रॉप्स या फिर हेटरोट्रॉप दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये जो है माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, यानी बहुत ज़्यादा छोटा होता है उसका साइज, और इसमें एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सभी चीज़ें जो है इसका एग्जांपल्स हैं। वही अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो मोर देन वन सेल से कंपोज्ड होते हैं, यानी बने होते हैं, और जिसका जो है एक डेफिनेट शेप होता है बॉडी का, और जो बॉडी होता है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है, मतलब कभी हाथ पैर गोड़ मुंह कान सारे चीज़ें इसके पास होता है। लेकिन यूनिसेलुलर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह किधर इसका मुंह है, किधर इसका कान है, किधर इसका पैर है, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे बनाया जाता है। उसके बाद इसमें सेल का डिफरेंट सेल जो है अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए एक स्पेसिफाइड होता है, जैसे डाइजेशन सेल्स, रेस्पिरेटरी सेल्स, तो अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। ओनली द आउटर सेल्स आर एक्सपोज टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से कुछ ही सेल्स जो है एक्सपोज होते हैं, सभी सेल एक्सपोज इन्वायरमेंट के नहीं होते हैं। और डिवीज़न ऑफ लिवर्स जो होता है वो सेलुलर होता है, जो कि टिश्यू ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम लेवल्स जो है अलग अलग डिफरेंट बने होते हैं। यूकैरियोट्स जो है जनरली इसमें इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों होता है। प्रोकैरियोट्स को हम लोग जो है हमेशा हमेशा बोलते हैं कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल होता है वो लंबा होता है, जैसे हम लोग का है उस तरीके से, इंजरी टू सेल डज नॉट काउज टू सेल टू डाई द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे शरीर का या जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके कोई एक सेल मर भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो ऑर्गेनिज्म बना है उस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से उसकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक सेल मरा और कई सारे सेल हैं जो उसका काम कर रहा है। इसमें जो प्रोडक्शन होता है यानी जो बच्चा पैदा इसका होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस की मदद से होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग 9th-10th में पढ़ चुके होंगे, इसको ज़्यादा डिटेल्स में जानने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना जानना है उतना आप लोग पढ़िए। सेल डिफ्रेंसिएशन इज़ ऑब्वियस, इसमें सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, और इसमें जो है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे या तो ऑटोट्रॉप्स या तो हेटरोट्रॉप्स होता था, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये जो है माइक्रोस्कोपिक नेचर्स का होता है, यानी साइज में अच्छा खासा होता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमारे आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में। अब हम लोग बात कर रहे थे सेल्स के बारे में, है ना, तो ये सेल्स था, सेल से बना था, तो सेल जो है हमारा दो तरीके का होता है, एक प्रोकैरियोट सेल्स और एक होता है यूकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल्स में बात किया जाए तो इसमें जो है ये यूनिसेलुलर को जनरली इंक्लूड करता है, यानी टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। सेल साइज जो है 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर तक हो जाता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर्स होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यानी न्यूक्लियर का अब्सेंस होता है, है ना, न्यूक्लियस अब्सेंट लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब्सेंस नहीं, अब्सेंट कर दो।
राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही छोटा साइज में होता है और स्फेरिकल शेप में होता है। डीएनए अरेंजमेंट जो है सर्कुलर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट होता है एंड साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट होता है बट सेल ऑर्गेनल्स जो है इसमें नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में लेकिन उसमें ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है एब्सेंट होता है, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होता है और लाइसोसोम के अंदर मेसोसोम और सेंट्रोसोम जो है इसके अंतर्गत एब्सेंट होता है। तो इतना पॉइंट्स जो है प्रोकैरियोट सेल के बारे में मैंने जो है आपको लिखा। इन सभी पॉइंट्स को एक बार जो है वीडियो पॉज करके इन सभी पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में आए तो जितना नंबर का क्वेश्चन आए उसके अनुसार आप पॉइंट लिखेंगे। जैसे अगर एग्ज़ाम में अगर 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि आप भाई डिफरेंस बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो यहाँ पे मैंने 13 पॉइंट लिखवाया है तो इन 13 पॉइंट्स में से कोई भी 7 पॉइंट लिखेंगे आपको जो है 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं है। AKU एग्ज़ाम में आपको लगता होगा कि पेज जो है ज़्यादा भर देंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ये बाबू तुम लोग का भ्रम है। पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है बस उसका आप जवाब दो, डेफिनेटली आपके नंबर मिलेगा, 100% नंबर मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक एग्ज़ाम में क्या क्या था, मतलब एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया, लेकिन जब लास्ट में मैं जो कॉपी चेक करने लगा तो पता चला कि ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया ही नहीं। ठीक है, लास्ट 1-2 मिनट पहले मैंने चेक किया तो पता चला कि एग्ज़ाम में मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया ही नहीं। तो जब एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया तो मैं उस दिन ना बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस एक तरीके से कह सकते हो कि खो गए थे कहीं कि अरे यार अब मेरा क्या होगा, कहीं पेपर में कुछ कैरी वगैरह ना हो जाए। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत खुश हुआ कि यार जो क्वेश्चंस मैंने बनाया था, मात्र मैं 4 क्वेश्चंस ही बनाया था जो कि 56 नंबर आने वाले थे, है ना, 56 नंबर का मैंने बनाया था और उस 56 नंबर में मुझे जो है 50 नंबर, यानी मात्र 6 नंबर मेरा कहीं ना कहीं कटा होगा। कहीं ना कहीं कटने का 2 कारण होगा, एक तो कि हमारा हो सकता है कि राइटिंग पे कटा होगा, दूसरा कि कहीं पे थोड़ा बहुत स्टेप मैंने गलती किया होगा या कुछ पॉइंट और मैंने छोड़ा होगा। यानी नंबर जो है पेज भरने से नहीं मिलता है बाबू, नंबर मिलता है कि जो चीज़ जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उस सवाल का आप एग्जैक्ट जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। अगर आप कोई भी सवाल का एग्जैक्ट जवाब दे पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटता है, आपको सारा का सारा नंबर मिलेगा। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि नहीं, सारा क्वेश्चंस बनाने से मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन आप बना रहे हो बस उस क्वेश्चंस का आप सही उत्तर दो, डेफिनेटली आपको जो है नंबर मिलेगा, है ना। वहाँ पे जो AKU के जो कॉपी आपके चेक करेंगे वो डेफिनेटली आपको देंगे। बस आपको जो क्वेश्चंस का आंसर्स मांगा गया है वो आंसर रेलिवेंट होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है यूनिसेलुलर, तो आपको यूनिसेलुलर के बारे में ही बताना है। अगर प्रोकैरियोट सेल के बारे में पूछा गया तो प्रोकैरियोट सेल के बारे में ही बताना है। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट सेल के बारे में पूछा जा रहा है आप आंसर दे दीजिएगा यूनिसेलुलर के बारे में, तो वो सही नहीं होगा, कहीं नहीं कहीं आपका पूरा का पूरा वो आंसर गलत होगा और एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप रेलिवेंट आंसर दीजिएगा तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। इसी में प्रोकैरियोट्स में और 2-3 पॉइंट्स है उसको जो हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद यूकैरियोट्स के बारे में भी हम लोग जो है लिखेंगे और आपको बताएंगे। तो यहाँ तक हो गया था, उसके बाद 12 नंबर पॉइंट हो जाएगा सेल डिवीजन बाय बाइनरी फ्यूजन, है ना। सेल डिवीजन कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन से होता है। एंड जो एग्जांपल्स के तौर पे अगर बात किया जाए, है ना, एग्जांपल के तौर पे तो बैक्टीरिया आर्चिया, ठीक है, ये सारे जो है एग्जांपल्स इसके प्रोकैरियोट्स सेल्स का एग्जांपल्स में हमारा जो है ये बैक्टीरिया या आर्चिया जो है ये प्रोकैरियोट सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट सेल्स के, यूकैरियोट्स सेल्स,
या यूकैरियोट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो यूकैरियोट सेल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है यूकैरियोट्स। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, सेल साइज फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक जाएगा। तीसरा पॉइंट, सेल वॉल जो है प्रेजेंट होता है, केमिकली सिंपल इन नेचर। एंड फोर्थ जो है, न्यूक्लियस जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट, राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट होता है इसमें, और कंपैरेटिवली लार्ज साइज होता है, एंड कंपैरेटिवली लार्ज साइज एंड लीनियर इन शेप होता है। लेकिन वही अगर प्रोकैरियोट्स में बात किया जाए तो इसमें स्फेरिकल शेप था और स्मॉलर इन साइज था, ठीक है। उसके बाद सिक्स नंबर पॉइंट में बात किया जाए तो डीएनए अरेंजमेंट जो है वो लीनियर होता है। डीएनए अरेंजमेंट जो होता है वो लीनियर होता है, ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड एट नंबर पॉइंट कि साइटोप्लाज्म जो है प्रेजेंट होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो भी प्रेजेंट इसमें होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो भी यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड्स जो है रेयरली प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड्स रेयरली फाउंड इन यूकैरियोट्स, मतलब यूकैरियोट्स तो इन लिख रहा है ना, तो प्लाज्मिड रेयरली फाउंड मतलब बहुत कम या ना के बराबर यहाँ पे फाउंड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लाज्मिड प्रेजेंट था तो यहाँ पे अब्सेंट आप कह सकते हो, लेकिन अब्सेंट कहना थोड़ा मुश्किल है, बट थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है ये आप कह सकते हो। फिर टेंथ नंबर पॉइंट इसमें लिखो कि जो आपका लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम्स में, यानी इन लाइसोसोम्स मेसोसोम एंड सेंट्रोसोम जो है ये प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। और इलेवेंथ नंबर में सेल डिवीजन जो है मिटोसिस के थ्रू होता है, सेल डिवीजन बाय
मीटोसिस के वजह से जो है सेल डिविजन्स होता है, या थ्रू मीटोसिस कह सकते हो। और इसमें जो है 12 नंबर पॉइंट, फ्लैगेला आर लार्जर इन साइज। और 13 नंबर में एग्जांपल अगर बात किया जाए तो एग्जांपल जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल सेल जो है इसका एग्जांपल्स होगा। और इसमें प्रोकैरियोट्स में आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो, है ना, यहीं पे मैं लिख देता हूँ फ्लैगेला आर स्मॉलर इन साइज जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये कुल प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जो मुझे बताना था, आई होप कि ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया। अगर फिर भी कहीं पे डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं।